राजधानी पटना के प्रमंडलीय आयुक्त सभागार में प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई, जिसमें दशहरा खासकर गांधी मैदान में होने वाले रावण वध के साथ साथ छठ आदि त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक प्रक्षेत्र संजय सिंह, डीएम कुमार रवि, वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी रावण वध कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ दशहरा की तैयारियों की समीक्षा और उसके अलावा आगामी छठ पर की तैयारियों की समीक्षा आज की गई। सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस वर्ष रावण वध कार्यक्रम जो 8 अक्टूबर को गांधी मैदान में आयोजित होगा, इसके अवसर पर सभी प्रकार की प्रशासनिक तैयारियाँ ससमय पूर्व कर ली जाएँ। पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति सभी गेटों पर की जाए। सारे अप्रोच गेट्स का एंट्री एग्जिट के साथ साथ पूरे गांधी मैदान में लाइटिंग की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इसके साथ सीसीटीवी कैमरे से गांधी मैदान के एक एक कोने पर नज़र रखी जाएगी और इतना ही नहीं, सभी एंट्री और एग्जिट गेट्स पर भी सीसीटीवी लगाए जाएंगे और उसके माध्यम से भी यातायात व्यवस्था नियंत्रित की जाएगी। पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स महत्वपूर्ण जगहों पर लगाए जाएंगे और माइक के माध्यम से, लाउडस्पीकर के माध्यम से आम लोगों को सभी प्रकार की सूचनाएं दी जाएंगी। इसके अलावा साफ सफाई की व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था, चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था, एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था, इन सभी संबंध में संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया और यह निर्देश दिया गया है कि रावण वध के अवसर पर और दशहरे के अवसर पर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने का प्रयास करे, उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए और असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाए। सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी और विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मी भी सादी वर्दी में जगह जगह पर तैनात किए जाएंगे ताकि आम लोगों की सुरक्षा के साथ साथ में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसके अलावा छठ पर्व की तैयारियों के संबंध में आज विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं और यह लक्ष्य दिया गया है कि छठ पर्व का आयोजन इस वर्ष पहले के वर्षों की तुलना में बेहतर और उत्कृष्ट रूप से किया जा सके। सभी छठ घाटों पर आवश्यक सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करने का निर्देश नगर निगम के पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और दंडाधिकारियों को दिया गया है। भवन निर्माण विभाग और पीएचडी के पदाधिकारियों को भी सभी घाटों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और छठ पर्व पर साफ सफाई की व्यवस्था सभी अप्रोच रोड्स के साथ साथ अन्य भी जहाँ जहाँ पर छठ का आयोजन किया जाता है उस पर सभी प्रकार के प्रशासनिक इंतजाम इस प्रकार से किए जाएं कि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की सुविधा न हो, साफ सफाई और रोशनी का पर्याप्त इंतजाम रहे और लोग खुशी उल्लास और उमंग के साथ में छठ पर्व का भी आयोजन लोग कर सकें।